हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू सर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये आपके जो एमडी यूनिवर्सिटी हो, केयू, गुरुग्राम और सीआरएसयू, क्या होता है स्टूडेंट्स कि 5 आपके जो पेपर होते हैं और उसके साथ में 4 आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं और चलो सब्जेक्ट के नेम, फिर उसके बाद की फाइल्स कैसे बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपकी जो क्लास है इसमें कंप्लीट फाइल बनाना बताऊंगी कि आपको फाइल्स कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट है हमारा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यहाँ पे आपका बड़ा हाईलाइट में लिखा भी हुआ है। तो इसमें सारा कंटेंट गिवन होगा कि हाउ टू रेडी दी फाइल्स। अब देखो यहाँ पे ये इंडेक्स हो गया। अब इंडेक्स में है इंट्रोडक्शन, आईसीटी एंड इट्स एडवांटेजेस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, सीपीयू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, विंडोज एंड बेसिक कंपोनेंट्स, एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस में क्या क्या आ सकता है आपका, वर्ड भी आ सकता है, एक्सेल भी आ सकता है, पावर पॉइंट भी आ सकता है, सब कुछ है। अब देखो एमएस ऑफिस में यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, इंट्रोडक्शन ऑफ ए टू ए वर्ड। ऐसे सेम क्या दे दिया, एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि जो एमएस ऑफिस का है ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेसिक्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन, कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। एमएस एक्सेल की इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ ए वर्कशीट, वर्कबुक। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक इंटरनेट एंड वेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट, बेसिक मोड ऑफ यूज इन द इंटरनेट। अब उसमें क्या हो सकता है, ईमेल्स, फाइल्स, एक्सचेंज, डिस्कशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोड्स ऑफ ए, एंड नेक्स्ट स्मार्ट क्लासेस, और लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन। स्टूडेंट्स देखो अब ये क्या है, एक एक पेज करके यहाँ पे, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखो एक साइड आपका क्या होगा कि यहाँ पे रिटर्न वर्क चलेगा और यहाँ पे आपका क्या है कि बिल्कुल ब्लैंक शीट होती है, उसमें पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो या पे आप पेस्ट कर सकते हो। सेकंड पेज आ जाता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए आईसीटी। देखो इस बच्चे ने मतलब इतनी नीट एंड क्लीन जो है वर्क कर रखा है और हर एक में बहुत मतलब जो कहते हैं ना सुपर से ज़्यादा वो पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं। कंपोनेंट्स हो गया तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की जो आईसीटी की फुल फॉर्म है, एंड द नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। अब यहाँ पे ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आ जाता आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब बाद में क्या स्टूडेंट्स, इसी की स्क्रीनशॉट लेके भी अपना क्या है सब कुछ डाटा बहुत आराम से फाइल्स को रेडी कर सकते हो। देखो इनपुट यूनिट्स, यहाँ पे देखो आपकी पिक्चर्स ड्रॉ हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट यूनिट। चर्स मैं बिल्कुल आराम आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि देखो एक एक वर्ड्स यहाँ पे रीड आउट करना बहुत मुश्किल है। जो मेन हेडिंग्स है वो मैं आपको बता रही हूँ।
कि देखो इंकजेट प्रिंटर, मतलब जो भी प्रिंटर्स के टाइप है पहले, फिर लेजर प्रिंटर, फिर स्पीकर, प्रोजेक्टर, और देखो सेम वही कि यहाँ पे जो प्रिंटर्स है वो उनकी पिक्चर्स, फिर स्पीकर, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोरेज यूनिट। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश डिवाइस, एंड देन नेक्स्ट आ जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें ALU कंट्रोल यूनिट्स, एंड नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो कितनी, मतलब जो कहते हैं ना, एक एक चीज़ बहुत क्लियरिटी से पिक्चर बनी हुई है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। आप स्टूडेंट्स अगर देखो यहाँ पे से, नहीं तो यहाँ पे आराम से क्या है, हेडिंग्स देख के और ये गूगल से भी सर्च मार सकते हो कि इसकी पूरी डेफिनेशन वहाँ पे भी मिल जाती है, और देखो पिक्चर्स तो यहाँ पे आराम से कहते हैं ना विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए विंडोज, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो MS ऑफिस, एंड द नेक्स्ट है MS वर्ड, एंड दिस पिक्चर इंट्रोडक्शन टू ए वर्ड प्रोसेसर, इंट्रोडक्शन टू ए वर्ड प्रोसेसर, नेक्स्ट हो जाता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड, एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा व्यू बटन, मेन्यू बार, होम मेन्यू, इंसर्ट, एंड द नेक्स्ट स्टॉप हो जाता है आपका ऑपरेशंस ऑफ MS वर्ड, अब यहाँ पे क्या है स्टेप्स आ जाते हैं कि आपको क्या है वर्ड कैसे ओपन करते हैं, या फिर जैसे कि सारी चीज़ें जो है जैसे कि इंटरेक्टिंग वर्ड आर्ट कैसे करते हैं, तो एंड देन स्टेप 1 2 3 4 लाइक दिस। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका MS पावर पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ MS पावर पॉइंट, एंड द नेक्स्ट हो जाएगा फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट,
मैं नेक्स्ट हो जाएगा मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एड ए स्लाइड कैसे ऐड होती है, एड ए फॉर्मेट टेक्स्ट ऐसे, एड ए पिक्चर्स एंड शेप। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोवाइडिंग एथलेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन ऑफ दी स्लाइड। एंड नेक्स्ट हो जाएगा टू स्टार्ट ए स्लाइड शो। To advance and reverse slides. And the next हो जाएगा MS Excel. Next हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशीट एंड वर्कबुक्स एंड देयर ऑपरेशंस। एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा ऑपरेशंस ऑफ ए वर्कशीट। देखो यहाँ पे कितना मतलब नीट एंड क्लीन जो ड्रॉ किया हुआ उसी के बारे में सब लिखा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट हो जाएगा ऑपरेशंस ऑफ वर्कशीट। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट, प्रेजेंटेशन ऑफ वर्कबुक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट, वेज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, फाइल एक्सचेंज। And next is discussion group. And next is live conferencing, just like chat भी हो सकती है।
and next is knowledge negotiation process. Next is classification of the modes, searching and information exchanging information. Classification of modes. Smart classroom. Smart classroom equipments. And the next is organization of smart classroom. Smart classroom operations. And the next is importance of smart classroom in teaching. And देखो ये key points हो गए. एंड द नेक्स्ट इज लास्ट जो है आपका वो आ जाता है कंक्लूजन, कि इस जो फाइल बनाई है, जो टॉपिक्स हैं, इन सब का हमारा एजुकेशन में मतलब जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, क्या उसके पॉजिटिव्स है, क्या उसके नेगेटिव्स है, और यहाँ पे आपका उसका की पॉइंट्स है. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है. स्टूडेंट्स ऐसे मैंने और सब्जेक्ट्स की भी वीडियो डाल दी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो है वीडियोस मैं ऐसे ही टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ. स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है ना. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.